हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम अंडमान। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेलुलर जेल के बारे में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और शेयर भी करें ज़्यादातर लोगों के साथ, ताकि जिन लोगों को पता नहीं उनको भी पता चले कि क्या क्या सेक्रीफाइस दिए हैं हम लोग के फ्रीडम फाइटर्स ने देश की आज़ादी के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में सेलुलर जेल की हिस्ट्री वहाँ के गाइड से। आप जिस ब्लॉक से एंटर किए, ये जमाने की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे, जेलर असिस्टेंट जेलर की ऑफिस, उनका रेसिडेंशियल ब्लॉक। एग्जीबिशन गैलरी में सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए और जेल की कैसे निर्माण हुई और कैसे उन स्वतंत्र सेनानियों को यहाँ पे यातना दिया गया। रीडिंग सेक्शन है सर, हमारे पास रीड करने की टाइम है तो रीड कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर्स मैक्सिमम बंगाल एंड पंजाब से थे, आज़ादी के काफी वक्त के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया। तस्वीरों को उस गैलरी के अंदर इंस्टॉल किए हैं जो हम जिन फ्रीडम फाइटर्स को हम जानते हैं उनके पीछे कितने लोगों के सैक्रिफाइस है यहाँ पे आने के बाद रियलाइज होता है। यहाँ तो हम तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, बट इस तस्वीर के पीछे कितने लोगों के नेम्स छिपी हुई है हम में से किसी को भी। उनकी एक वैल्यू देने के लिए यहाँ पे दो फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र ज्योत एंड वंदे मातरम ज्योत, इज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर। ये दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इंडियन ऑयल स्पॉन्सर कर रहा है एंड नॉन स्टॉप जलता है। ये व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जो फ्रीडम फाइटर पूरे भारतवर्ष में हमारे लिए जो शहीद हुए उन सबके यादगार में बनवाया गया एक स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस एटी पल्ट्री। जेल जहां बनी है सी लेवल टू 60-70 फीट हाइट, एक डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। पूरे फॉरेस्ट को क्लीन करने के समय सारे पेड़ कट चुके थे, उसमें से जो पेड़ छूट गया था वो पुराने पेड़ 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे साउंडल आइशो देखेंगे। साउंडल आइशो की मेन कैरेक्टर सर के ओमपुरी जी की वॉइस में आधार एक काल्पनिक कैरेक्टर है, फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करता है, पीपल ट्री और आत्मा के बीच में इंटरेक्ट होता है। आत्मा मनोहर सिंह जी की वॉइस एंड डेविड बैरी टॉमल्टो जी की वॉइस में आती है, ये तीन मेन किरदार है, उसमें से पीपल ट्री मेन कैरेक्टर है। इट्स अ सेलुलर जेल, इट्स अ लुक लाइक स्टार शेप कॉम्प्लेक्स लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। आप देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 विंग बनवाया गया और पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्टिविटी उस केंद्रीय मीनार से है। केंद्रीय मीनार एक्सेगन एंड नेक्टेगन, इट्स अ लुक लाइक सेल, दैट्स कॉल्ड अ सेलुलर। इट्स अ बायोलॉजिकल है, इंडिविजुअल ब्लॉक्स है, 3 गार्ड्स होते थे, गार्ड्स को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद दे कैन एक्सप्लोर एनीवेयर। और ये पूरे 7 ब्लॉक की कंट्रोलिंग टावर सेंट्रल टावर, वहाँ पे एक गार्ड होते थे, एक गार्ड के काम होते थे आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल को वॉच करें। जेल की कंस्ट्रक्शन 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया। एस्टिमेट कॉस्ट 5,17,350 रुपीज, व्हेन द फिनिश्ड अप मोर देन 7.5 लाख रुपीज से ज्यादा खर्च किया गया। और इस प्रिजन को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर टू 1941 इज अ मेजर अर्थक्वेक इन अंडमान, दैट्स अ बिग लॉस फॉर ब्रिटिश पीपल। एंड उस समय वो डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, यहाँ से बाइकआउट करने लगे। अंडमान एक सेस्मिक जोन है। 1841 and 2004 वेल डेवलप हो चुकी थी, प्रॉपर्टी लॉस ह्यूमन लॉस के कारण ब्रिटिश जाने लगे एंड 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपाई किए। जापानीज के शासनकाल यहाँ पे 3 साल रहा, 42 से लेकर 45। एंड सबसे ज्यादा टॉर्चर जापानीज ने किया, जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें जासूस करार देकर प्रिजन में बंद किया गया एंड शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुंदर फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की विजिट होती है। नेताजी की विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा, इज वेरी प्राउड टू से इंडियन ट्राइकलर। यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, नाउ इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस द्वीप को शहीद द्वीप स्वराज द्वीप घोषित कर रहे हैं। देन आफ्टर ही रिटर्न बैक मणिपुर, हिरोशिमा के बाद जापानीज भी चले गए, अगेन ब्रिटिश के शासन रही, रिपब्लिक के बाद ही अंडमान इंडिया के पार्ट। इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद जो 7 ब्लॉक्स बनवाया गया था उसमें से कुछ ब्लॉक लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को निकालकर वहां पे हॉस्पिटल बनवा दिया गया। ना हमारे पास विंग नंबर 1, ये 7 इसके राइट बैक साइड और एक ब्लॉक विंग नंबर 6 एंड ऑल आइडेंटिकल सेल। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्पॉट हमारा होगा फांसीगढ़, उसके बाद वर्कशेड चलेंगे, सेल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट हमारा एक्सप्लेन कंप्लीट होगा सेंट्रल टावर के ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे हम एक्सप्लेन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आप टेरेस तक जा सकते हैं, व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी के कक्ष है, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी तस्वीर और वुडन प्लैंक ब्लैंकेट उनको कैसे दिया गया मॉडल के तौर पर रखे हैं। कुछ लोग सीनियर सिटीजन है, ऊपर क्लाइंब नहीं कर पाते, उनके लिए भी इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में सचिनदास सान्याल जी की तस्वीर के साथ वुडन प्लैंक यूटेंसिल्स रखे हैं। वी आर 5 गाइड्स वर्किंग ऑल टुगेदर, दिस इज नॉट अ जॉब, इज अ पैशन।
आप जैसे इसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहा है, यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने लेजेंडरीज खड़े हैं, आई एम नॉट इन द स्टेज, मेरी सीट झुकी हुई है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, दिस नॉट अ स्क्यूबा डाइव सेंटर, फन करने चले गए, एक फीलिंग्स है, यहाँ पे भी हम फन प्लेस में भी खड़े हो सकते हैं, इससे अच्छा सैलरी होगी, ये सैलरी के लिए नहीं, हम आई एम नॉट अ आर्मी पर्सन, ये भी एक सेंसिटिव प्लेस है, जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी एक बॉर्डर जैसे है, आज हम फौजी भाई है ना, वो भी एक फ्रीडम फाइटर है, हम तो फ्रीडम फाइटर नहीं बने इस जमाने में भी, इस समय इस युग में भी, टोटली से जो चांस मिली उसे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी को इंसल्ट करना नहीं चाहते। तो देखिए ये दो ब्लॉक किचन बिल्डिंग थी, ये किचन बिल्डिंग दो बनाने की मकसद दे दी, डिवाइड एंड रूल, यूनिटी को ब्रेकअप करना था, यहाँ पे आने के बाद उनके अंदर हमेशा के लिए भेदभाव ना बने रहे, उनके अंदर एक फ्यूजन बनी रहेगी, तो यहाँ पे क्रांति ना बने। इस फांसीघर मतलब ये किचन के बाजू में लकड़ी का घर, ये फांसीघर है, ये पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था, और यहाँ पे कितने फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे हैंग किया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स ही है, बिकॉज उन फ्रीडम फाइटर्स को हैंग करना होता उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे, केसेस होते थे कॉन्स्परेंसी षड्यंत्र प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश रेलवे ट्रैक केस पोस्टल केस इन्फॉर्मर मैसेंजर्स होते हैं, वैसे लोगों को लाते थे 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड, एंड ड्यूरिंग द टाइम वो किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें पनिश नहीं कर सकते, और जब फर्दर उनके ऊपर चार्जशीट रेडी होती है, ट्रायल चलती है, ट्रायल के दौरान ये ह्यूज ब्लॉक के कहीं सेंट्रल पार्ट में रहेंगे, दे रेडी टू डाई फॉर द नेशन मीन रेडी टू मोटिवेट टू अदर, उनके अंदर की जो मोटिवेशन पावर है दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर ब्रिटिश, उनकी सोच को कमजोर करना है, उनकी सोच को कमजोर करना है, एंड विच इज नियर बाय गैलोस विंग नंबर 7 के ग्राउंड फ्लोर 4 सेल रिजर्व किया गया कन्फर्मेशन सेल, देन मीन कंडेम्ड सेल लास्ट डे ऑफ लाइफ, सेलों में कोई फर्क नहीं है, एंड ऑल आइडेंटिकल सेल्स वहां पे आ गए, तो तय हो जाता है कि उस दिन के लिए वेट कर रहे हैं, कन्फर्मेशन डेट से पहले उनकी देहांत हो जाती है तो फाइल स्मूथली क्लोज आएगी, वैसे नहीं होता है तो सारे धर्म में हम मरने के बाद जो धार्मिक तौर पे जो रिचुअल्स करते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे मरने से पहले उनकी धार्मिक तौर पे यहाँ पे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद एट ए टाइम इन लोगों को हैंग कर सके, लिवर को पुल कर दें इज अ ट्रैप डोर 8 feet डेप्थ जो बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा, सपोज स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, बच जा रहा है, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते, दैट्स व्हाट इन बिटवीन द रोप दे यूज मेटल रिंग टू कंप्रेस द थ्रोट हैंग टिल डेथ, उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांधकर समुन्द्र में फेंक दिया जाए, ये उनकी ऑर्डर में थी, बट कितने लोगों को यहाँ पे हैंग किया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये फांसी घर देखने के बाद हम इस वर्कशॉप के अंदर चलाएंगे, और यहाँ पे स्पेस कम है, दो दो जन करके देख सकते हैं, दोज आर टॉल प्लीज वॉच योर हेड। सर अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये वर्क प्लेस, इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया गया, इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस, जो ब्रिटिश के खिलाफ जाते थे, वॉइस रेस करते थे, काम से रिफ्यूज करते थे वैसे लोगों से, यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, व्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन व्हाट यू वॉचिंग हियर इज वेरी सिंपल, बट करने की कार्य बहुत ही टफ थी, 1 or 2 कोकोनट के बाद हाथ वेट हो जाता है, जितने फोर्सली मारेंगे उतने फोर्स के साथ नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट भी लगने के समय ये पोर्शन पूरे खा हो जाएगी, और इसकी जो हस्क होता है 2 inches की होती है, व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाते थे और इसे पानी में सॉफ्ट करते थे, नमी होने के बाद उड़न आर्मर से पाउंडिंग करते थे, पाउंडिंग प्रोसेस में हाथों में छाले पड़ जाते थे, फाइबर्स ऐसे स्टेज बाय स्टेज होने के बाद ये स्टेज में आना है, तो ये इसके ऊपर के लेयर्स निकलने तक फाइबर्स रिलीज नहीं होता, अगेन उन्हें स्नैच करना पड़ता था, स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाते थे और बंच ऑफ फाइबर्स कलेक्ट करना है, इज वेरी शार्प फाइबर, और ये फाइबर्स को लेने के बाद इस तरीके से रोप मेक करना है, फाइबर्स निकलने के बाद रोप मेक करने के समय जो व्हील को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद हाथों पे छाले, अगेन जो फाइबर्स रिलीज होगा ये उंगलियों पे घाव कर जाते हैं, यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट 30 pounds कोकोनट ऑयल 10 pounds मस्टर्ड सीड्स ये उनके लिए तय किया एक टारगेट थी, एंड दे यूज 2 types ऑफ ऑयल वेग इन द ऑयल ट्रेनिंग मिशन, ये दो वेग ताकि स्टेम को इंक्रीज वेट इंक्रीज करें, और उनको राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था, समटाइम रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था, यदि काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी पनिशमेंट ऐसे पर। ये जो पनिशमेंट है शाम के वक्त जो बाकी स्वतंत्र सेनानी आने के बाद उनकी नजरों के सामने करवा जाता था साइकोलॉजिकल टॉर्चर, अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहा है, एक इंडियन इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहा है, इफ दे सेलेक्ट ब्रिटिश टू इंडियन दे नो वेरी वेल वी आर नॉट एबल टू स्टेबल मोर देन इयर्स इन दिस कंट्री, एंड व्हेन दे स्टार्ट इन बिटवीन अस जमादार टेंडल गार्ड वार्डन पेटी ऑफिसर इंडियंस हैं इंडियन इंडियन के ऊपर चाबुक चलाएंगे, दे नेवर रेज वॉइस अगेन ऑफ ब्रिटिश, सो ब्रिटिश इंडियन
सो दैट मीन प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है तो हमारे लोग उनके खिलाफ वॉइस रेस नहीं करेंगे. जब तक हमारे शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे, बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रेफ्यूज करे, फाइनली फांसी. फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उससे पहले उनका देहांत हो जाता था. तो देखिए जैसे फ्रीडम फाइटर्स को लाते थे उनकी यूनिफॉर्म्स व्हाइट कलर के और उनके गले में इस तरीके से नेक रिंग. ये जो नेक रिंग की पर्पज थी, इनकी जो बुलंद सोच थी, पॉजिटिविटी, इनके अंदर की पॉजिटिविटी ब्रिटिश कमजोर नहीं कर पाते थे. रेडी टू डाई फॉर द नेशन मीन्स वो उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी. इनकी सोच को डाइवर्ट करना है, वो किसी और को मोटिवेट ना करें. फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स उनके गले में इस तरीके से मेटल रिंग, और नॉर्मली आप एक छोटे से धागे भी वेयर करेंगे विच इज नॉट यूज्ड टू यू, छोटा सा धागा भी सब टाइम लाइट वेट है, वो भी आपको टीज करते रहेगा, पिंच मारते रहेगा कि आप प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पे ये रियलाइज करवा रहा है, इन योर कंट्री यूर अ स्लेव एंड व्हाट यू होल्डिंग द नेक दैट इज नॉट यूज्ड टू यू. अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, दिस इज नॉट अ मैनरिज्म. सो उस समय उनके लोगों के लोग शोल्डर ऐसे मतलब उनकी गेरवा पे जाते हैं तो अग्रेसिवनेस इज अ मोर सक्सेस ऑफ ब्रिटिश. एंड चेन फीट ऑफ रास्ते से ना एस्केप करें. सेकंड वन इज बार फीट ऑफ स्ट्रेट रॉड, नी को बेंड करके नहीं बैठ पाते थे. ये जो हाथ में होल्ड किए हैं यहाँ से रॉड एक्सटेंड करके रिस्ट के साथ आते थे. एंड थर्ड वन इज अ क्रॉस बार फीट ऑफ 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग अनेबल टू वॉक. और तीनों कंडीशन में इनसे काम करवाते थे. और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म जूट साफ इजी टू आइडेंटिफाई कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम आइटम. परिचय करवाना वक्त की बर्बादी है. When they start intro, it will take a long time. And dress code and punishment code, easy to judge why they give this type of punishment from him. And newcomers, they never raise voice again of this. जहाँ मौजूद हैं, wing number 1 and 7 के भीतर खड़े हैं. Wing number 1, इसमें 105 cells हैं और इसमें 126 cells. Wing की जो size है, uneven size है, requirement of space के हिसाब से बनवाया गया. जब इस jail के निर्माण के लिए जो जगह select किया गया, is a beginning of ocean, sea level to 60 to 70 feet height. हिल को लेवल करने के बाद दे गेट बिग ग्राउंड. फर्स्ट सर्वे ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट हार्ट ऑफ द हिल. इफ यू आर कंस्ट्रक्ट हार्ट ऑफ द हिल व्हाट दे सेइंग थियोरेटिकली वी आर गेटिंग पैरल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम्स रोड एंड फेंसिंग. अब बीच में बनाएंगे एक जैसे रूम्स मिल विंग मिलेगा और एक्सेस लैंड आ जाएगा जहाँ पे रोड और फेंसिंग बनाएंगे. उसके बाद सड़क आएगी, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. सो उनकी थॉट्स एक 7 जनरेशन के बाद, 7 पीढ़ी के बाद यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे. बिगनिंग ऑफ ओशन है, टुवर्ड्स कॉर्नर फील लिया गया, दो साइड नेचुरल वॉल्स सी फेसिंग एंड थर्ड साइड हिल के कॉर्नर. रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस के हिसाब से बिल्डिंग को एक्सटेंड किया गया एंड सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया ताकि आप मटेरियल की कॉस्टिंग को एडवांस कैलकुलेट कर सके. विंग की जो साइज अनइवन एंड ऑल आइडेंटिकल सेल 13.6 7.6 फीट है सेल के साइज एंड 7 फीट ऊंचे में इसकी रोशनदान 3 फीट लेंथ 1.5 फीट हाइट, ये कुल मिला के 10 फीट हाइट है. उस समय सीमेंट के जगह लाइमस्टोन एंड जागरी इस्तेमाल किया गया, घूड़ा चूना. एंड ईच सेल 1 पर्सन उनको प्रोवाइड करते थे वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट. यदि रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो नीचे जमीन में सोएंगे, बीमार पड़ जाते थे. एंड लीजेस एंड मॉस्किटो बाइट्स मलेरिया के कारण काफी देहात. एंड खाने की जो बर्तन होते थे आयरन पॉट वंस या ट्वाइस इस्तेमाल करें. रेस्ट फॉर्म हो जाती थी, सिम्पटम फूड पॉइजन होने के कारण देहात. और यहाँ पे शौचालय की सुविधा कक्ष के अंदर नहीं हुआ करते थे, इन्हें डे टाइम बाहर में काम करवाते थे. जब डिनर देने के बाद जब सेल के अंदर बंद करते हैं एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे, उस समय उनको मिट्टी के पॉट प्रोवाइड करते थे. मिट्टी के पॉट इज अ लिमिट, इफ दे क्रॉस द लिमिट उनकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी. इस कारण वो खाना कम खाएंगे. ब्रिटिशर्स की राशन बैलेंस, इन लोगों का हेल्थ खराब इज अ वेरी फिल्दी सिचुएशन. इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखा जाता था. इसकी रीजन ये थी कि हम जहाँ पे खड़े हैं ना सर, विद इन अ सेकेंड हम उसे अडेप्ट कर लिए. ये साइकोलॉजी हम वो फील नहीं करते, रेगुलर इट्स हैपन. ये रेगुलर होने के कारण आप इसे रियलाइज नहीं कर रहे हैं. और कम्युनिकेशन इज अ बिग लैंग्वेज. सो इंडियन पीपल जहाँ पे हम जाते हैं विद इन अ सेकेंड किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं. कम्युनिकेशन इज बिग लैंग्वेज. दैट मीन ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम ये थी कि मोर देन डेज स्पेसिफिक सेल में रहेंगे वो अडेप्ट हो जाएगा, वाइल द कमिंग आउटसाइड वो ग्रुपिंग फॉर्म करेंगे. ग्रुपिंग इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिश. सो इसे ब्रेक करने के लिए 45 दिन में यानी कि 45 डेज में उनके एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दिया जाता था. इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया. मेंटल टॉर्चर प्राइमरी पनिशमेंट. और स्पेसिफिकली कोई भी सेल को आप ऐसे नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक कुलास्कर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सचिनदास सान्याल, महावीर सिंह, इंदुभूषण रॉय, दाजी नारायण जोशी, पंडित राम रखा. ऐसे हमारे पास 338 फ्रीडम फाइटर्स की नेमिंग है. बट इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी के कक्ष है, उनके कक्ष को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं,
क्या रीजन है, लास्ट एक्सप्लेनेशन बता दें और काला पानी के साथ हम एक्सप्लेन कंप्लीट करेंगे। सर अभी हम जहां मौजूद हैं, जैसे मैंने बताया कि विंग नंबर 1 और 7 ये दो ब्लॉक के बीच में से एंट्री एंड एग्जिट होते थे, और वो जो गेट है वो गेट एंट्री एंड एग्जिट यानी कि वहां पे जाने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से विंग में जाना है। तो आज हमारे पास 3 ब्लॉक है, ये विंग नंबर 1, ये 7, इसके बैक पोर्शन विंग नंबर 6 एज इट इज है, इसके फ्रंट पोर्शन में विंग नंबर 2 की एक दीवार है, और बाकी जो ब्लॉक थी यहाँ पे हॉस्पिटल भी आ गया। और यहाँ पे सेलों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैंने कैसे बताया कि एवरी 45 डेज बदल रहे हैं। और सावरकर जी के कक्ष को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी मेंशन कर रहे हैं, मुझे अंडमान काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसी करके सामने रखा गया। काला पानी मीन्स यहाँ का पानी काला नहीं है, काल वक्त को कहा गया एंड काल मृत्यु, काल इस समय हमें वक्त लगती है और उस समय मृत्यु थी, और इस समय हम संपर्क के दायरे में है, उस समय हम संपर्क के दायरे में नहीं थे। फर्क देखिए, वक्त ये भी काल है, वक्त बदलती है तो नेचर अपना रंग बदलती है। सनसेट गेटिंग डॉन, सूरज ढलती है, पहाड़ी की परछाई नीला समुंदर में गिरता है, इट्स लुक लाइक ब्लैक। वो बोल रहे हैं कि नेचर हमें डे टाइम में इंस्पायर करता था और वक्त बदल रही है, वो नेचर अपनी रंग बदल रही है। यदि हम में से कोई अपनी रंग बदल लें, आने वाले भविष्य को हम आजादी दिला नहीं सकेंगे, हमें मरना ही है, अपनी मातृभूमि के लिए यहीं पे मर जाए, आने वाले भविष्य तो आजाद भारत में रहेगी। सोच को काल कहा गया, थिंकिंग पॉजिटिविटी इज अ काल, पॉजिटिविटी इज अ फ्रीडम। तो आप अपने अपने विचार के हिसाब से इस काले पानी को मेंशन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ ब्लैक वाटर, काल इज अ वक्त, KL, नॉट अ काला। सो वहां पे काला पानी क्या आ गया, काल, काल पानी, काल उस समय वक्त दी और उस वक्त के सामने उनके लिए मौत पानी दी। तो सावरकर मेंशन कर रहे हैं मुझे सबसे ज्यादा दिन फांसी घर के सामने रखा गया, तो उस कारणवश उनके सेल को आइडेंटिफाई कर रहा है, उन्हें भी बदल दिया जाता है 45 डेज में। सावरकर जी महाराष्ट्र से नासिक बगूर करके विलेज के थे, ये अपने स्टडी लाइफ बैरिस्टर के लिए आते लंदन, इंडियन हाउस में पढ़ाई करते थे, इंडियन हाउस में पढ़ने के दौरान सो काफी उनकी एक फील थी कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, तो उस समय बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल मंगाते थे। इंडियन हाउस आने के बाद उनकी जो स्टडी बुक्स होते थे उसे कट करते थे और उसके बीच में हिडन किया जाता था, और जो वेकेशन में आते थे उनके हाथों से भेज दिया जाता था। इलीगल एक्टिविटी चार्ज में इंडियंस को अरेस्ट किया गया, जितने इंडियंस से अरेस्ट किया गया, और ऐसे स्मोरी नाम के जहाज इंग्लैंड टू इंडिया के लिए ट्रैवलिंग के समय जहाज से एस्केप करते हैं और मार्शलीस कोर्ट में पकड़े गए। एंड फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच वो कॉन्ट्रोवर्सियल थी, ब्रिटिश के पास वो राइट्स नहीं कि सावरकर जी को दूसरे कंट्री से अरेस्ट करें, उस समय उनकी पावर को मिसयूज किया गया और इन्हें इंडिया लाया गया। इंडियन पिनल कोर्ट IPC इनकी पर चार्जशीट लगाती है 50 ईयर्स की, वहां पे आर्ग्यू करता है कि आप 50 साल की सजा अब मुझे दे रहे हैं, मेरे देश को नहीं, मेरे देश उससे पहले आजाद हो जाएगी जब उन्हें अंडमान लाया गया 1911 to 1961 पनिशमेंट पीरियड, बट यहाँ पे 10 ईयर्स रहे 1911 to 1921। और दो साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर भी इसी प्रिजन में है, वाइल सेटिंग इनकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती है, जैसे फर्स्ट एंड लास्ट मेट 1919 अमृतसर वाले इंसिडेंट के बाद इंडिया में रिवोल्ट की स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। 1921 में अंडमान से काफी लोगों को रिहा किया गया, पूरे मंथ हम श्रद्धांजलि अमृतसर वाले इंसिडेंट को दे रहे हैं। 13th April 1999 जनरल टाया, उस इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद इंडिया में रिवोल्ट की स्ट्रेंथ बनने लगे। इन दैट टाइम ओनली 1921 सबको रिहा करने के समय इन्हें शिफ्ट किया गया रत्नागिरी महाराष्ट्र जेल, वहां पे जाने के बाद आजादी से पहले इनकी रिहाई, रिहा होने के बाद हमारे देश की आजादी में काफी इनकी सहयोग रही, और इनकी डेथ 1966 और इनका जन्म 1883 में, एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे, इन्हीं के जैसे और भी कई फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे लाया गया। दे ऑल आर अनसंग हीरोज, दे आर नॉट गेटिंग एनी प्लेस इन आवर हिस्ट्री बुक। आई होप इन दिस टाइम आप इतिहास की किताब क्यूरियोसिटी के साथ गूगल सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएंगे। सो हमारी जनरेशन को बताना जरूरी है सर, हिस्टोरिकल वैल्यू बताइए। एंड हिस्ट्री इज अ पेन सर, लोग बोलते हैं कि इज अ फूड बोर, डोंट से बोर। सो हमारे पेरेंट्स भी बोर हो जाते हैं ना पेंशन के बाद, हम छोड़ते हैं क्या, नहीं छोड़ते हैं, इतिहास को हमेशा बना रखिए, अदरवाइज यू आर इन्वाइटिंग समवन जस्ट कम इनसाइड माय हाउस। सो प्लीज डोंट डू लाइक दैट, इतिहास को प्रमोट कीजिए, इतिहास को बताइए, इतिहास आप बाहर के नहीं, आपकी फैमिली के इतिहास को बता दीजिए कि बच्चे रियलाइज कर जाएंगे, बाहर निकलेंगे ना सर, वो सोसाइटी उनके लिए विश करेगी। तो ये हमारी कॉन्सेप्ट है सर, एंड यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड अंडमान इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्वीट एंड सॉल्ट, एंड यू ऑल्सो वेरी स्वीट, स्वीट इज अ ग्रीनरी एंड स्वीट फ्रीडम फाइटर, एंड यू ऑल्सो वेरी स्वीट एट द सेम। सॉल्ट इज अ पेन, समंदर के पानी के जैसे, वी आर नॉट एबल टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन, इनकी पेन को भी हम मेजर नहीं कर सकते, इनकी डेप्थ क्या है अब यहाँ पे महसूस कर सकते हैं सर,
देन यू फीट योर लेग इन आउटसाइड द रोड कैंपस के बाहर इमीडिएटली ऑल एंड्रॉइड के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे सर वेयर आर यू सर आई एम इन आउटसाइड ऑफ द सेलुलर जेल आई एम वेटिंग फॉर यू 5 मिनट से हम खड़े हैं उसी समय कनेक्ट किए होंगे 5 मिनट से खड़े हैं बोले सो उसी समय आप भूल गए क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना 5 मिनट्स उसी समय भूल गए सो हिस्टोरिकल वैल्यू भी वही है कुछ समय तक आप वैल्यू दे रहे हैं इट्स ऑफ द गुड सोल्स एंड थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू एंड एक वॉइस रेज करेंगे तो उसमें से आपकी स्ट्रेस बाहर निकल जाएगी भारत माता की जय थैंक यू और यहाँ पर जो बहुत सारे लैंग्वेज का जो गाइड मिल जाता है अगर आपको बंगाली गाइड चाहिए वो भी मिल जाता है तमिल गाइड चाहिए वो भी मिल जाता है ज़्यादातर हिंदी गाइड आपको मिल जाता है लेकिन तमिल गाइड और बंगाली का चाहिए तो वो भी मिल जाता है आपको यहाँ पर और अभी देख सकते हो जो 5:30 बजे के जो है लाइट एंड साउंड शो के लिए कितना लंबा लाइन है हाँ हम लोग 6:30 वाला में जाएंगे संगो अभी जो अंधेरा भी नहीं हुआ हाँ अभी तो सनसेट भी नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा तो 6:30 वाला जो अच्छा होगा लाइट एंड साउंड शो जो है इट्स अ मस्ट वॉच आप ज़रूर देखिए जहाँ आपको पूरा सिल्वर जेल की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है लाइट एंड साउंड के थ्रू और जिसका टिकट जो है आपको ऑनलाइन बुक करना होता है जो आप पहले से ही बुक कर सकते हो या तो आप जाने के बाद उस दिन ऑन द स्पॉट अपने मोबाइल से बुक कर सकते हो आप जो है वीडियो को पॉज करके दिए गए सारी इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हो और साथ में जो है हर दिन 3 शो होता है 5:20 को 6:30 एंड 7:35 को जहाँ 7:35 वाला शो जो है एवरी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे इंग्लिश में होता है सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर टिल देन टेक केयर स्टे सेफ जय हिंद